हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैंने एक मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन किया है। मैंने एडवेंचर 390 का पूरा हेडलाइट सेटअप एडवेंचर 250 में डाला है। मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो ये पूरा सेटअप एडवेंचर 390 का है। पहले मेरा हेलोजन था, तो मैंने अभी पूरा LED में उसको कन्वर्ट कर दिया है, देख सकते हो। तो पहले आपको पार्ट्स कौन से लगेंगे वो मैं आपको दिखा दूँ। पहले अभी वीडियो में आपने देखा होगा कि कौन सा पार्ट्स अपने को लगेगा। तो इंस्टॉलेशन मैंने ये रात को किया है क्योंकि मैकेनिक फ्री नहीं था, तो वीडियो नहीं बना पाया मैंने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टॉक जो गाड़ी है उसका हेलोजन का पूरा फ्रंट एंड निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरा चेंज होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विंडशील्ड निकालना पड़ेगा। बाद में एक केज है प्लास्टिक का, वो यहाँ पे स्क्रू है चेसी में, उसका दिख रहा, वो निकालना पड़ेगा। बाद में ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिस्प्ले भी यहाँ से निकलता है, देख सकते हो। तो जो चेंज होने वाले पार्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो अपना 250 का ही लगेगा अपना केज, ये वाला प्लास्टिक पार्ट। और अपना चेंज होने वाला हेडलाइट, प्लास्टिक केज और एक एलॉय का पट्टी पूरा। तो वो पैकेज में आपको मिल जाएगा। मैं आपको इंस्टाग्राम का उनका लिंक दे दूँगा पेज का, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन आपको तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक्सपीरियंस मैकेनिक ही लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैकेनिक के पास ही जाके पूरा इंस्टॉलेशन कर दो, क्योंकि तीन पार्ट्स ये बहुत झंझट मारी का काम है, बहुत टाइम लगता है खोलने के लिए और वापस इंस्टॉल करने के लिए। पर इंस्टॉल होने के बाद वो एक नंबर दिखता, आप देख सकते हो पूरा एडवेंचर 390 लग रहा है। सिर्फ अभी स्टीकर 250 के उस पर। मैं अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ, एक मिनट लाइट। तो गाइज मैं अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ हेडलाइट कैसा लग रहा है। अभी अपर डिपर दिखाता हूँ आपको, ये अपना डिपर है, अपर चालू है। तो हेलोजन से बहुत बेटर है ये लाइट, क्योंकि हेलोजन में राइड पे जाता था तो कुछ उसका लाइट गिरता ही नहीं था रोड पे। तो अभी LED डाला है तो बहुत मतलब अच्छा लाइट गिर रहा है और लुक वाइज भी बहुत मस्त लग रहा है। और गाइस पूरे किट के साथ आपको ये पार्ट नहीं मिलता है प्लास्टिक का, KTM का ब्रांडिंग का, तो ये आपको सर्विस सेंटर से लेना पड़ेगा। ये 20 रुपीज़ का आता है, मैंने सर्विस सेंटर से जाके लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रू के लिए जगह है तो वो गंदा दिखता है। मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा। और अभी वो 20 रुपीज़ का इंस्टॉल कर दिया है मैंने। तो अभी सेम पूरा एडवेंचर 390 लग रहा है सामने से, देख सकते हो। मैं अभी आपको बाइक का थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ, लाइट्स कैसी लग रही है।